तो अब देखते हैं ये क्वेश्चंस, ये थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि तो इस पे ये चीज़ कर लोगे तो ये चीज़ यूज होता है कि प्रूफ करने में कि रूट टू कैसे इरेशनल नंबर है, उसमें ये थ्योरम का यूज होता है। तो उस समय जब ये थ्योरम यूज करेंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, कहोगे कैसे हुआ, कैसे हो गया, तो वहाँ पे ऐसा फील होगा कि तुम रट रहे हो चीज़ों को, अगर इस चीज़ को नहीं समझोगे तब, है ना। और अगर इस चीज़ को समझ लिए तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, डन। तो चलो देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मतलब पी कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर तो तुम जानते ही हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, नहीं 21 हो गया, 19, 23 एंड सो ऑन, 27 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 31 होगा। तो ये सब प्राइम नंबर है। तो मान लेते हैं कि पी कोई प्राइम नंबर है, और ये बात है इफ यदि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, यानी कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो निश्चित रूप से पी जो होगा हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज, मतलब तुम पूछोगे ना कि पी को तो समझा दिए कि पी क्या था, प्राइम नंबर था, ए क्या था, तो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर था, 10, 15, 20, 50 कुछ भी, ए क्या था हमारा कुछ भी, 10, 20, 50 कोई भी नंबर था, है ना, प्राइम भी हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो ये थ्योरम ने क्या बोला कि अगर हमें दिया गया है पहले से कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा, इस बात को आप प्रूफ कीजिए। देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं और कितना आसान है इसको प्रूफ करना। अभी अभी तुम फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक पढ़ के आ रहे हो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनिक वे ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो यूनिक होता है, अब उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। तो अगर पी डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, नहीं तो एक काम करो, ए को पहले मानो कि ए कोई नंबर है, तो मान लेते हैं कि लेट ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स इन यूनिक वे, इन यूनिक वे, यूनिक वे तो आप समझते ही हो कि उसके जैसा आप कोई नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, क्योंकि ए अब नंबर तो दिया नहीं है, जिसको जैसे दिया होता 20 तो हम फैक्टराइज कर लेते, 50 तो फैक्टराइज कर लेते, 216 फैक्टराइज कर लेते, लेकिन ए को तो दिया नहीं है। तो ये तो जानते हैं कि कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें से हम मान लेते हैं कि उसको P1, P2, P3 डॉट डॉट PN इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिए। हाँ ये हो सकता है कि इसमें से कुछ प्राइम नंबर सेम हो जाएं, जैसे कि आप जब 20 को फैक्टराइज कर रहे थे तो 2 × 2 × 5 लिख रहे थे, तो 2 2 सेम हो गया, तो हो सकता है कि कुछ P1 P2 बराबर भी हो जाए, ठीक है ना। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं हियर नॉट नेसेसरी, आपके बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा ये, नॉट नेसेसरी, है ना, पता नहीं नेसेसरी का स्पेलिंग, अब देखो हमारा गड़बड़ होने लगा, तो नॉट नेसेसरली टू बी सेम, ठीक है ना, नॉट नेसेसरली टू बी द सेम, कोई दिक्कत। चलो तुम्हें लिख ही देते हैं नेसेसरली का स्पेलिंग, नहीं तो बड़ा कमेंट आता है, शायद हमारे हिसाब से नेसेसरली का स्पेलिंग यही होगा, ठीक है। तो ए कोई जरूरी नहीं है कि P1, P2, P2 सब डिस्टिंक्ट ही हो, हेयर नॉट नेसेसरली टू द सेम ऑल P1, P2, P3 डॉट 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 PN, है ना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने A को लिख दिया, तो ये एक यूनिक वे है इसको लिखने का। अब इसमें अब कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बस इतने ही नंबर्स लिखे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये P1 P2 P3 डॉट डॉट PN का स्क्वायर होगा,
तो एवरी नंबर का ट्वाइस मौजूद होगा, दो बार उसका मल्टीप्लर होगा, यानी कि P1, P2, P3, डॉट डॉट Pn। अब फिर एक बार हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, P1, P2, P3, डॉट डॉट Pn, दो बार। अब हमारे क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कह रहा है कि हियर गिवन P divides A स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बाबू? अगर P ने A स्क्वायर को डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या होता है तुम बताओ? कि निश्चित रूप से, चलो पहले ये समझो, अगर हम बोलेंगे कि टू डिवाइड्स 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में निश्चित रूप से 2 एक फैक्टर हुआ होगा ना। उसी तरह हम कहेंगे कि 3 डिवाइड्स 21, तो निश्चित रूप से 3 जो होगा 21 के प्राइम फैक्टराइजेशंस में आया होगा, 3 × 7, मतलब उसको फैक्टर उसी में से, इसी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में से ये 3 आया होगा, तभी हम मानेंगे कि वो डिवाइड किया है। जैसे मान लो कि 7 हम डिवाइड्स लिखे, तुम्हारा मान लो 49, तो निश्चित रूप से 49 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें से एक आया होगा। तो यदि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि पी जो होगा इसी प्राइम फैक्टर्स में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि पी प्राइम नंबर है, पहले ही गिवन है कि पी इज अ प्राइम नंबर। तो पी अगर प्राइम नंबर है, नहीं, पी यदि प्राइम नंबर है और पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो निश्चित रूप से पी जो होगा इसी इन्हीं सब में से कोई ना कोई होगा। सोच के देखो। तो अब सोचो कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि पी प्राइम नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर यही है, तो निश्चित रूप से पी जो होगा, पी इज वन ऑफ द P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn। अब कहोगे तुम, एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर ए स्क्वायर को ना डिवाइड कर रहा है, तो हो सकता है ना कि P जो है वो P1 और P1 इंटू P1 को डिवाइड कर रहा हो। नहीं, अब बताओ कि P1 इंटू P1 को अगर P डिवाइड कर रहा है, तो तुम खुद सोचो कि वो P को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि P प्राइम है और प्राइम है यदि, और ये जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के ही फैक्टर्स लिखे गए हैं, तो ये दोनों अगर सेम हो गया, 3 × 3 हो गया या फिर 5 × 5 हो गया, तो ये भी 5 ही रहा होगा, तभी तो डिवाइड करेगा ना, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा ना। यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि P इज वन ऑफ द P1 P2 Pn डॉट डॉट n, क्योंकि प्राइम कोई भी नंबर का जब स्क्वायर कर दोगे तो वो फिर प्राइम नहीं रह जाएगा। ये भी सोचो कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि P जो है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न आता है, बेसिकली हम ये कहने का सोच रहे हैं कि वो समझता है कि अगर P ने A स्क्वायर को डिवाइड किया है तो P A को डिवाइड करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, वो ये बोलता है। हम बोलते कि नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि P प्राइम नंबर है, P क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम फैक्टर्स के रूप में यदि इसे लिख दिए हो तो अब यही प्राइम्स नंबर है ना केवल, अब ये के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो वो नंबर प्राइम नहीं है, ये बात याद रखना। जैसे 3 का स्क्वायर प्राइम नहीं है, वो 9 है, 9 प्राइम नंबर है, नहीं है 9 प्राइम नंबर। चाहे मान लो 5 का स्क्वायर है तो 25 है, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो हम ये तुमसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे, तो उसमें से प्राइम जो आया होगा उसको डिवाइड कर रहा होगा, एक्चुअली में वो प्राइम नंबर है ना, तो वो प्राइम को ही डिवाइड करेगा, तो प्राइम का स्क्वायर तो उसमें मौजूद हुआ होगा, तभी तो वो फिर पी को भी डिवाइड कर पाएगा ना, ए को भी डिवाइड कर पाएगा ना। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं।
थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर p ने a स्क्वायर को डिवाइड किया और a का जो a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो कोई भी इंटीजर्स जब ये 10, 15, 20, 50 में से हो गया, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए तो ये इस तरह का नंबर आया। और हमारे क्वेश्चंस ने किया है कि पहले ये नहीं बोला है कि p ने a को डिवाइड किया है, उसने बोला है कि p ने a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है या फिर कोई कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर होता है। तो p तो प्राइम है ना, तो उसी में से कोई ना कोई प्राइम रहा होगा ना, तो उसका स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर्स के स्क्वायर को या कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को, तो उसमें से एक प्राइम नंबर हुआ होगा ना, तो दूसरा प्राइम नंबर तो बचा होगा। अब दूसरा प्राइम नंबर बचा ही होगा जब, तो निश्चित रूप से स्क्वायर को हटा दो, तब तो एक को डिवाइड कर ही देगा ना। दिस इज कॉल्ड दिस थ्योरम। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के भेजना, तुम्हें समझा देंगे और अच्छे से, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि p इज वन ऑफ द p1 p2 p3 .pn। और ये क्या था, अगर ये हो गया कि p इज वन ऑफ द दिस, मतलब इसी में से p1 p2 p3 .pn में से कोई था, ये निष्कर्ष कैसे निकला, इससे p डिवाइड्स a स्क्वायर से ये निष्कर्ष निकला, इंप्लाई किया। तो अगर p जो है वो हो गया p1 p2 .pn में से कोई, तो निश्चित रूप से अब तो हो गया, नाउ p1 p2 .pn इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाई p डिवाइड्स a, दिस इंप्लाई p डिवाइड्स p1 इंटू p2 .pn, दिस इंप्लाई p डिवाइड्स a, क्योंकि ये भी अभी बताए हुए हैं कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है 3×7 को, मतलब कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, उसी का ना प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, तो उसके प्रोडक्ट में अगर वो आ गया, p यदि इसमें के प्रोडक्ट में आ गया, तो निश्चित रूप से p जो है इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा, ये बात सत्य हो गई, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझे होंगे और आप याद भी कर लीजिए कि p कोई नंबर है, प्राइम नंबर, यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, चाहे वो नंबर प्राइम हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर किए हुए, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए, अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज, है ना। अब देखते हैं रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं बाबू।